बच्चों, आप सबको ऑनलाइन क्लास में स्वागत। अब मैं आपको पीछे के कौन कौन से वीडियो देखा था उसके बारे में बोलती हूँ। ध्यान से ध्यान को पीछे तुम रंगों के नाम, रंगों के नाम यानी अंग्रेजी में कलर्स नेम, कलर्स नेम सीखा था। पीछे तुम रंगों के नाम, आज हम बिना मात्रा वाले यानी अमात्रिक शब्द, अमात्रिक शब्द आज हम सीख रहे हैं। उसी का आज एक छोटा सा राइम है, अब उसको मैं गाती हूँ, सुनो। वैसा ही तो गाना सीखो, बोलेंगे अब हम। अच्छा, नटकट रतन इधर चल सड़क पर मत चल, सड़क पर मत चल, कर तब मत कर, पग पटक कर मत चल, पग पटक कर मत, जल पर मत चल, बड़ मत कर गड़बड़ मत कर, थर्मस पकड़ कर चल, थर्ट मत कर खट खट मत, अब घर चल। कैसी थी बच्चों कविता? अच्छी थी ना? कक्षा को शुरू करेंगे। विषय हिंदी, घटक अमात्रिक शब्द, कक्षा दोवी का है, कक्षा दोवी का है। आधा का अधिक आ इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, बोलो। हाँ, काक्षर होता है। देखो यहाँ पर काक्षर है, उसी पर सोई हुई रेखा है, ये स्वराक्षर है, ये उसकी मात्रा है, क्या है, का। अब इस अस्वराक्षर से आने वाले, अस्वराक्षर की मात्रा आने वाले शब्द लिखना पढ़ना सीखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, अमात्रिक शब्द बोलते हैं। देखो मात्रा नहीं रहने के शब्द को क्या बोलते हैं, अमात्रिक शब्द बोलते हैं। वो पेज नंबर 8 पर रहने वाले अमात्रिक शब्द का पहला शब्द क्या है, पहला शब्द अमात्रिक शब्द का अमन है। अमन वो एक नाम है, मेरा नाम है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम रुबीना है ना, वैसा ही इस लड़के का नाम ही अमन है, क्या है बोलो, अमन वो एक नेम है। देखो आपका नाम क्या है, आपका नाम पृथ्वी हो, तेजस हो, चिन्मयी हो, तनुश्री हो, ये सभी नाम है ना, वैसा ही अमन एक नाम है। अब हम अमन शब्द को विच्छेदन यानी डिवाइड करना आपको बताती हूँ। विच्छेदन कैसा करके हम अस्वराक्षर की मात्रा को हम कैसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं। अब क्या है, अमन है आ, ये स्वराक्षर है, ये व्यंजनाक्षर है मा न, अमन अमन अमन। देखो अमन का विच्छेदन करना आपको बताती हूँ, यहाँ ध्यान से देखो, ये स्वर है, ये आधा आधा नहीं होता, ये फुल अक्षर रहता है। स्वराक्षर की मात्रा ये व्यंजनाक्षर पर जुड़कर बड़ा कड़ी बनता है, ये स्वराक्षर है, ये आधा आधा नहीं होता, ये क्या है, ये प्लस, अधिक को प्लस बोलते हैं। देखो मा, माक्षर ऐसा रेखा डालोगे ना, ये आधा अक्षर बनता है। मक्कले इति ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಅಕ್ಷರ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷರ. ಈ ಲೈನ್ ನಹಿ ಡಾಲೆ ತೋ ದೇಖ ಫುಲ್ ಹೋತಾ ಹೇ, ಈ ಲೈನ್ ನಾವು ಹಾಕದೇ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದು ಫುಲ್ ಅಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಪುನರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ವರಕ್ಷರವನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೌನ್ಸ ಸ್ವರಕ್ಷರ ಹಮ್ಮಿಸ್ಕೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕರ್ತೇ ಹೇ. ದೇಖೋ ಈ ಆಧಾ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ಕ್ರಾಸ್ ಡಾಲೋಗೆ ತೋ ಆಧಾ ಹೋತಾ ಹೇ अधिक आ, ये क्या है, ये स्वराक्षर है, ये स्वराक्षर है, अधिक ना आधा ना अधिक आ। देखो ये स्वर इसको मिलना है, अब मैं मिलाकर यहां लिखती हूं, तुम ध्यान से देखो, ये आ वैसा ही लिखना है, अधिक ये दोनों जुड़कर मा, देखो ये मा आधा बन गया, ऊपर सोई हुई रेखा, अधिक ना ये दोनों मिलना है,
ना के ऊपर तुम मात्रा लिखना है इज इक्वल टू आ देखो आ मा न अमन अमन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अमन ही बोलते हैं क्या बोलते हैं अमन अमन ही बोलते हैं वो एक नेम है हाँ देखो बच्चा यहाँ पर ये अमन है ये आ स्वर अक्षर है ये आधा बन गया है यहाँ फुल बन गया है यहाँ जुड़कर लिखे हैं अंदर ಇದು ಅಮನ್ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷರ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಪೂರಾಕ್ಷರ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಶಬ್ದ ಆಗಿದೆ ಯಹಪರ್ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಬರ್ತೆ ಹೇ ಯಹಪರ್ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಶಬ್ದ ಹೇ ಅಬ್ ಹಮ್ ಆಗೆ ಶಬ್ದ ಕೂ ಚಲೆಂಗೆ ಆಗೆ ಕಾ ಶಬ್ದ ಕೌನ್ ಸಾ ಹೇ ಅಜಿಗರ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಆ ಜ ಗ ರ ಅಜಿಗರ್ ಅಜಿಗರ್ ಯಾನೆ पैतान को अजगर बोलते हैं ये कन्नड़ में हेब्बाऊ बोलते हैं आपको चित्र दिख रहा है ना अजगर का यही अजगर है अजगर जंगल में रहने वाला बहुत बड़ा सर्प है क्या है अजगर अजगर शब्द को मैं आपको विच्छेदन यानी डिवाइड करना आपको बताती हूँ तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्वरक्षर उतना ही सीखा था स्वरक्षर उतना ही सीखा था ना मैं देखो आधा अक्षर बनाकर कैसा शब्द कैसा हम इस पर जुड़ते हैं यहाँ पर देखो आधा का अधिक आ इज इक्वल टू का आधा ना अधिक आ क्या बन गया ना अक्षर बन गया ऐसा ही देखो ऐसा ही हम इसको इस अक्षर को जोड़ते हैं ಹಾಗೆಂದರೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಮೈಲಿಕ್ಕೆ ಅಬ್ ದೇಖೋ ಮೈ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕರ್ನ ಆಪ್ಕೋ ಬತಾತಿ ಹೂ ಆ ಪಹಲೆ ಲಿಖೋ ಯೇ ಸ್ವರಕ್ಷರ ಹೈ ಯೇ ಫುಲ್ ಅಕ್ಷರ ಲಿಖ್ತೆ ಹೈ ಆ ಸೆ ಆಹಾ ತಕ್ ತುಮ್ ಫುಲ್ ಅಕ್ಷರ ಲಿಖ್ನಾ ಹೈ ಇಸ್ಕೋ ಆಧಾ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಜಾ ಜಾ ಆಧಾ ಕರೋ ಅಧಿಕ ಲಿಖೋ ಆ ಸ್ವರಕ್ಷರ ಲಿಖೋ ಅಧಿಕ ಗಾ ಲಿಖೋ ಆಧಾ ಕರೋ ಅಧಿಕ ಆ अधिक कौन सा अक्षर बन गया बच गया रा अक्षर बच गया रा अदा लिखो अधिक लिखो आ देखो अब इन अक्षरों को जोड़कर यहाँ लिखती हूँ आ वैसा ही लिखना है तुम आ अधिक ये दोनों जुड़कर ज क्या बन गया ज ये दोनों जुड़कर ग ये दोनों जुड़कर र आगे हम क्या लिखना है अजगर अजगर क्या लिखना है अजगर देखो अजगर नीचे अजगर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में पैतान बोलते हैं क्या बोलते हैं पैतान बोलते हैं देखो ये एक सर्प है क्या है पैतान देखो जंगल में रहने वाला बहुत बड़ा स्नेक है क्या है पैतान अजगर शब्द के बाद आगे का शब्द कौन सा है आगे का शब्द कटहल है क्या है कटहल आपको चित्र दिख रहा है ना यही कटहल है कटहल एक फल है वो मीठा रहने वाला फल है उसके अंदर पीले छोटे छोटे पीसेस रहते हैं पीले यानी येलो येलो पीसेस रहते हैं वो खाने के लिए बहुत मीठा रहता है देखो ये बहुत बड़े पेट पर रहने वाला एक फल है कौन सा कटहल अब हम लिखना विच्छेदन करना सीखेंगे कटहल शब्द को देखो क ट ह ल कटहल देखो कटहल को अब मैं आपको विच्छेदन यानी डिवाइड करना बताती हूँ देखो का कौन सा है व्यंजन अक्षर है का हम आधा करना है आधा यानी ये अक्षर ना क्रॉस लाइन हाकि अर्ध अक्षर ಮಾಡಬೇಕು इसको हम आधा करना है ಅಂದರೆ अर्ध अक्षर ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದು अर्ध अक्षर ಆಗುತ್ತೆ ये लाइन डालने पर तुम ये आधा अक्षर होता है नहीं तो फुल होता है ना वो फुल बर्ड बिट्रे नम स्वर अक्षर हम उसको जॉइंट करने
नहीं होता, इसलिए हम इस क्रॉस लाइन को यहां डालना है। अधिक आ ये स्वरक्षर है, आ क्या है स्वरक्षर है, अधिक ता अदा टा अधिक आ अधिक अदा अधिक आ अदाला अधिक अदाला अधिक आ। अब हम इन अक्षरों को जोड़कर लिखेंगे, का अधिक ता अधिक हा अधिक ला इज इक्वल टू क्या बन गया शब्द कटाहल, का टा ह ल कटाहल। देखो ये कटाहल अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जैकफ्रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं जैकफ्रूट बोलते हैं। देखो ये खाने वाला फल है, क्या है जैकफ्रूट, हिंदी में कटहल बोलते हैं, क्या बोलते हैं कटहल। देखो ये खाने वाला एक फल है। अब हम एक बार बोलकर देती हूँ ध्यान से, देखो आ मन अमन अधिक आदमा अधिक आ अधिक आदाना अधिक आ, आ मन अमन अमन अजगर आ अधिक आधा जा अधिक आ अधिक आधा गा अधिक आ अधिक आधरा अधिक आ, ज गर अजगर पैतान कटहल आधा का अधिक आ अधिक आधा टा अधिक आ अधिक आधा हा अधिक आ अधिक आधा ला अधिक आ, का टा हा ल कटहल जा फ्रूट। देखो अभी बाकी रहने वाले दो शब्दों को लिखना पढ़ना सीखेंगे। उपवन है, उपवन यानी गार्डन को उपवन बोलते हैं। हम उपवन में क्या क्या देखते हैं, उपवन में फूल देखते हैं, तितलियां देखते हैं, छोटे से पौधे देखते हैं, बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, झूले देखते हैं और खेलने वाले सामान देखते हैं वाते हैं। अब हम उस शब्द को विच्छेदन करना सीखेंगे, क्या करेंगे विच्छेदन करना सीखेंगे। आओ तुम भी मेरे साथ विच्छेदन करना सीखिए, सीख लो। देखो यहाँ पर क्या है, ये उपवन उपवन उपवन। अब हम विच्छेदन करना सीखेंगे, विच्छेदन वो अक्षर को हम आधा करते हैं वो अक्षर को आधा। देखो ये क्या है, ये स्वरक्षर है, क्या है वो अक्षर स्वरक्षर है। हम व्यंजन अक्षर को उतना ही विच्छेदन करना है, अंदर ये वो अक्षर स्वरक्षर, पाक्षर व्यंजन अक्षर, अदके नावु वो अक्षर ना अर्ध माड़ी विच्छेदन माड़के बरल्ल, पाक्षर हम पाक्षर नावु अर्ध माड़ी विच्छेदन माड़ी बरियोदक्के बरुत्ते। अब मैं इस शब्द को विच्छेदन करना आपको बताती हूँ। वो वैसा ही लिखना है तो आधा नहीं करना, अधिक पा अधिक पादा करना है, अधिक लिखना है, आसरक्षर लिखना है वहां पर, अधिक लिखना है, वा लिखना है, वा आधा करना है, अधिक लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है बोलो क्या लिखना है, हाँ आ स्वरक्षर लिखना है, अधिक लिखना है, ना अदा करना है, अधिक लिखना है, ना अदा करना है, अधिक लिखना है, आ स्वरक्षर लिखना है। अब हम जोड़कर लिखेंगे,
फर्स्ट वो लिखो, तुम भी लिखो वैसा ही वो अपनी क्लास वर्क पर। अधिक लिखो, ये दोनों मिलकर क्या लिखना है, पाक्षर लिखना है। पा लिखो, अधिक लिखो, ये दोनों जुड़कर वा। अधिक लिखो, ये दोनों जुड़कर ना। क्या अक्षर बन गया, उ प व न। उपवन, उ प व न, उपवन। क्या अक्षर बन गया, उपवन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उपवन को, गार्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जाकर वहां पर वायु विहार लेते हैं। आगे के शब्द को चलेंगे, आगे का शब्द कौन सा है, आगे का शब्द शलगम है। शलगम यानी देखो एक सब्जी है, कन्नड़ में इसको नवीन कोसु बोलते हैं। कन्नड़ में नवीन कोसु बोलते हैं। देखो ये एक सब्जी है, खाने वाली सब्जी, रोटी पर खाते हैं, चपाती पर खाते हैं। देखो ये एक खाने वाली सब्जी है। अब मैं उस शब्द को विच्छेदन करना आपको बता दो, क्या है ये, श ला ग म, शलगम। विच्छेदन करना आपको बताती हूँ। श अदा करना है, तुम अदा करना है, अधिक आ अधिक ला अदा करना है, अधिक आ अधिक गा अदा करना है, गा अधिक आ अधिक मा अदा करना है, अधिक आ। इन अक्षरों को जोड़कर नीचे लिखती हूं, ये दोनों मिलकर श, अधिक ये दोनों मिलकर ल, अधिक ये दोनों मिलकर ग, अधिक ये दोनों मिलकर म, इज इक्वल टू श ल ग म, शलगम। देखो अंग्रेजी में टर्निप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्निप बोलते हैं, टर्निप बोलते हैं। देखो ये अंग्रेजी में टर्निप बोलते हैं, हिंदी में शलगम बोलते हैं। अब मैं आपको एक बार इन शब्दों को बोल कर देती हूँ। उपवन, उ अधिक आधा पा अधिक आ अधिक आधा वा अधिक आ अधिक आधा ना अधिक आ। उ प व न, उपवन, गार्डन, शलगम, आधा शा अधिक आ अधिक आधा ला अधिक आ अधिक आधा गा अधिक आ अधिक आधा मा अधिक आ। श ल ग म, शलगम, टर्निंग। कर सीखो के शब्द लिखना पढ़ना सीखेंगे। देखो नल, नल क्या, नल मीन्स पानी आने वाला एक वस्तु है। खग, बर पक्षी भी बोलते हैं, खग भी बोलते हैं। नब, स्काई, देखो आसमान भी बोलते हैं, नब भी बोलते हैं। जल, वाटर, जल हम किस लिए यूज करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं जल। लहर, वे देखो समंदर में आने वाला लहर है। नयन, आई, देखो हमारे कितने नयन है, दो नयन है। नेक्स्ट कमल, लोटस, कमल यानी पंकज भी बोलते हैं, कमल भी बोलते हैं, हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। शहर, सिटी, बेंगलोर मैसूर सिटी बोलते हैं ना शहर को, उसको सिटी बोलते हैं। झटपट, क्विकली, तुम झटपट लिखो। अदरक, जिंजर, अदरक यानी एक सब्जी है। थर्मस, फ्लास्क, ए थर्मस कॉफी टी रखने वाला थर्मस है। कर्तक, स्टैंड फीट, देखो कर्तक में हटा मारू। इन शब्दों को एक बार मैं बोल कर देती हूँ। नल, टैप, खग, बर, नब, स्काई, जल, वाटर, लहर, वे, नयन, आई, कमल, लोटस, शहर, सिटी, झटपट, क्विकली, अदरक, जिंजर, थर्मस, प्लस, कर्तव्य, स्टैंड फीट। अब हम एक क्लास वर्क लो, पेंसिल लो, मैं एक्टिविटीज करती हूँ वैसा ही तुम करना है। देखो इन शब्दों को तुम लिखना है।
लिख रहे हो धड़। आमंत्रिक शब्द को तुम गोला डालना है। कहाँ आमंत्रिक शब्द है यानी अस्वरक्षर के मात्रा के शब्द कहाँ है तुम उसको गोला डालना है। पर धड़ ताला नग चादर चादर है इसको तुम अमात्रिक शब्द पर गोला डालना है। यह है अमात्रिक शब्द है नहीं यहाँ पर है देखो इसको तुम गोला डालना है इसको तुम गोला डालना है। देखो ये अमात्रिक शब्द है नहीं ये अमात्रिक शब्द है नहीं अमात्रिक शब्द है नहीं है ना करेक्ट है मैं बोल रही हूँ सही है करेक्ट है रॉन्ग है क्योंकि यही अमात्रिक शब्द है। कौन सा नग देखो इस पर कोई भी मात्रा नहीं इस पर आ की मात्रा है इस पर आ की मात्रा है यहाँ पर भी आ की मात्रा है ये अमात्रिक शब्द नहीं होता ये अमात्रिक शब्द है। कौन सा नग नग को हम गोला डालेंगे ये आ की मात्रा के शब्द है ये दोनों एक दो दोनों आ की मात्रा के शब्द है। अब मैं आपको चार शब्द देती हूँ उसमें अमात्रिक शब्द कौन से है तुम गोला पर रहने वाले चार शब्दों में अमात्रिक शब्द कौन सा है सर्कल डालकर गोला डालकर मेरे नंबर पर सेंड करना है अपनी क्लास वर्क पर लिखकर मेरे नंबर पर सेंड करना है। काला बस हिरण दल देखो यहाँ पर कहाँ है अमात्रिक शब्द तुम सर्च करके ऐसा गोला डालना है। अब हम मैं रहने वाले शब्द पढ़ेंगे आठ को निकालो अब हम अमात्रिक शब्द पढ़ेंगे। एक अमात्रिक शब्द आधा का अधिक आ इज इक्वल टू का आ से अमन अमन अजगर पैतान कटहल जैक फ्रूट उपवन गार्डन शलगम टर्निप पढ़कर सीखो रीड एंड लर्न नल टैप हग बर्ड नब स्काई जल वाटर लहर वे नयन आई कमल लोटस शहर सिटी झटपट क्विकली अदरक जिंजर थर्मस प्लस करतब स्टेंट फीट लिखो राइट। देखो ऊपर तुम ट्रेस करना है इन अक्षर और शब्दों को ऊपर ट्रेस करना है। नटखट रतन इधर चल सड़क पर मत चल करतब मत कर पग पटक कर मत चल जल पर मत चल गड़बड़ मत कर थर्मस पकड़ कर चल खट खट मत कर अब घर चल। शब्दार्थ वर्ड मीनिंग पग पैर फीट थर्मस प्लस जल पानी वाटर अभ्यास एक्सरसाइज एक शूत्रलेख डिटेक्शन शहर कर्तव नटखट शरबत गगन दो उचित स्थान पर सही वर्ण लिखकर शब्द पूरे करो पुट द करेक्ट लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स। अदरक यहाँ पर ना लिखना है नयन है ये चित्र देखो नयन यहाँ पर ड लिखना है सड़क यहाँ पर मटर यहाँ पर अचकन यहाँ पर बर्तन शब्द बनाओ मेक वर्ड्स देखो इस शब्द को हम लगा चुके हैं तुम यहाँ ये करना है यहाँ पर एग्जाम्पल है उदाहरण है यहाँ पर तुम घर पर करना है। चार उचित वर्ण लगाकर शब्द बनाओ मेक वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर नल मत यहाँ पर रहने वाले शब्दों को तुम फिल करना है। देखो यहाँ पर रहने वाले उसको मैच करना है कलश थर्मस कसरत बरगद। छः एक शब्द में उत्तर लिखो राइट द आंसर्स इन वन वर्ड खा नटखट कौन है रतन यहाँ लिखना है रतन खा रतन को क्या पकड़कर चलने को कहा गया है थर्मस गा रतन को कहाँ चलने को कहा गया है घर। देखो ऐसा तुम फिल करना है। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे धन्यवाद।